मुझे पीएम की सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पे कि उन्होंने हमारे एमयू कैंपस को एक मिनी इंडिया मॉडल बताया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल देखा जा सकता है। यहाँ की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। एक और जोश मिलता है कि हम आगे भी इसी तरह काम करते रहें और हमारे यहाँ जो ये बच्चियां हैं ये नई ऊंचाइयों को छूती रहें। न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। प्रधानमंत्री जी का हम बहुत वेलकम करते हैं कि उन्होंने एमयू के साथ एसोसिएट होकर ये साबित कर दिया कि वो देश के मुसलमानों के साथ और देश के छात्रों के साथ जुड़ना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। पीएम का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस, उनके उनके जो स्पीच था उससे बहुत ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस फील हुई। 1964 के बाद आज पहली बार जब भारत के प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया और संबोधित किया तो वो शब्द, वो भाषा, वो वाक्य सेकुलर थे और सीधे थे। देश को साथ लेकर चलने वाले थे, देश को जोड़ने का पाठ पढ़ाने वाले थे। एएमयू से उठने वाली देश विरोधी आवाजों को देशभक्ति का रास्ता दिखाने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कहां और किस परिवार में पैदा हुए, किस मजहब में पले, इससे बड़ा है उसकी आकांक्षाएं देश से कैसे जुड़ी है, यह उससे बड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कही है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन जब बात राष्ट्र निर्माण की हो, जब बात देश की हो तो उसे दरकिनार कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एएमयू के उन गिने चुने लोगों को साफ संदेश दे दिया जो वक्त वक्त पर मोदी विरोध के कारण देश विरोधी बातें करने लगते हैं। प्रधानमंत्री की बातें बहुत स्पष्ट थी, बहुत साफ थी। छात्रों के नाम पर राजनीति करने वालों को उन्होंने कहा कि सियासत सोसाइटी का अहम हिस्सा है, सियासत समाज का एक अहम हिस्सा है लेकिन सोसाइटी में और भी कई मसले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सियासत से ऊपर समाज होता है, सियासत से ऊपर समाज होता है लेकिन सियासत और समाज इंतजार कर सकती हैं लेकिन विकास इंतजार नहीं कर सकता। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में संबोधित किया तो उन सारे लोगों को संदेश दिया जिनके लिए राजनीति देश से ऊपर है। मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि सियासत से बड़ा देश, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन उनको उनको समझने के लिए, उसको जानने के लिए आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई कुछ घटनाओं को जान लेना चाहिए क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं तो उनके पीछे कुछ सोच है, कोई वजह है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान के खिलाफ जाकर राम मंदिर तोड़ने की धमकी दी थी। सितंबर 2020 पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी की राम मंदिर तोड़ने की धमकी। इसके अलावा देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम के समर्थन में कैंपस में नारेबाजी, शर्जील इमाम आप जानते हैं ना, चिकन नेक काटने की धमकी दी थी भारत की। देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम का देश विरोधी भाषण जनवरी 2020 में। इसके अलावा कश्मीर, केरल, असम की आजादी के नारे लगे जनवरी 2020 एएमयू। 12 छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, देशद्रोह की एफआईआर हुई फिर फरवरी 2019। इसके अलावा आप हैरान हो जाएंगे, आतंकवादी मन्नान वानी, आतंकवादी मन्नान वानी के लिए कैनेडिया हॉल में शोक सभा एएमयू में, आतंकवादी के लिए शोक सभा अक्टूबर 2018। लाइब्रेरी में भारत के विलन
जिन्ना की तस्वीर पर भी विवाद, वो तो आप जानते ही हैं। जिन्ना का स्वागत था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एतराज था। जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, सोसाइटी इंतजार कर सकती है, देश का डेवलपमेंट का इंतजार नहीं कर सकती। एमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता। आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एएमयू को देशहित मंत्र था। एएमयू के 100 साल पूरे होने के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने एएमयू को नए भारत, आत्मनिर्भर भारत और धर्मनिरपेक्ष भारत का पाठ पढ़ाया। मोदी ने कहा कि हर देशवासी के लिए सबसे पहले देश और देशहित है। आपको हर पल देश के लिए सोचना है, अपने हर फैसले में देश हित सोचना है, आपका हर निर्णय देश हित को आधार बनाते हुए ही होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी का एएमयू को राष्ट्रवाद वाला पाठ उन लोगों के लिए था जो उन्हें कल विरोध के लिए काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे थे। ये पाठ उन लोगों के लिए था जो एएमयू में अखंड भारत के बंटवारे की जिम्मेदार जिन्ना को अपना नायक मानते हैं और धर्म उनके लिए देश से पहले है। मतभेदों के नाम पर बहुत वक्त पहले ही जाया हो चुका है, अब वक्त नहीं गंवाना है। सभी को एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। एएमयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के वक्त जी न्यूज भी एएमयू कैंपस में था। कैंपस के अंदर जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश थे और कैंपस के बाहर जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी थे। सुनिए कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर छात्र छात्राओं ने पीएम के संबोधन को लेकर जी न्यूज से क्या कहा। उनकी काफी बातें अच्छी लगी हमें, जो कि थोड़ी सी इमेज बीच में थोड़ी धुलमिल हुई थी, तो मोदी जी ने आज काफ़ी ये बातें क्लियर कर दी हमारे लिए। काफ़ी अच्छा लगा था सर, उन्होंने जो मिनी इंडिया की बात कही, जो लोगों के जहन में गलत बातें फैला दी गई हैं आजकल, उन्होंने उन सबको क्लैरिफाई कर दिया। आज लोगों को सबको यकीन आ जाना चाहिए, जब हमारे पीएम मोदी कह रहे हैं तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। कि पीएम मोदी ने जो है, सर सईद अहमद खान ने इसके ऊपर जो है बहुत जोर दिया कि हमारी जो कौम है इसको आगे बढ़ाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो यही मुझे बहुत अच्छा लगा। एएमयू के किसी कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान और महिलाओं के विकास के संबंध में समझाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आई है। पहले ये दर 70% थी, लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई छोड़ने की दर 30% रह गई है। स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है, पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉपआउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया। प्रधानमंत्री ने आज एएमयू को याद दिलाया कि धर्म निरपेक्षता ही उसकी असल पहचान है, इसलिए एएमयू में उर्दू भी पढ़ाई जाती है और हिंदी भी, फारसी है तो संस्कृत भी। यहाँ की ऐतिहासिक और विशाल लाइब्रेरी में कुरान भी है तो गीता और रामायण भी। यानी एएमयू का स्वरूप मिनी इंडिया का है। कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। मुझे पीएम की सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पे कि उन्होंने हमारे एएमयू कैंपस को एक मिनी इंडिया मॉडल बताया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल देखा जा सकता है। आज पीएम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को याद दिलाया कि उसकी पहचान मुस्लिम नहीं, भारतीय है।
वो जूनियर जिन्ना एएमयू की पहचान नहीं है, जो यूनिवर्सिटी को जिन्ना वाली सोच से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही सोच है जिसकी वजह से कभी कैंपस में आतंकी मन्नान बानी के लिए फातेहे पढ़े जाते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर का समर्थन होता है, और कभी यूनिवर्सिटी में पढ़े छात्र संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ राम मंदिर तोड़ने की धमकी देते हैं, तो कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काते हैं। बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एएमयू को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ राष्ट्रवादी यूनिवर्सिटी के प्रारंभ की प्रेरणा दी और बताया कि एएमयू को नए भारत की सोच की ओर आगे बढ़ना होगा और यूनिवर्सिटी की छवि में बसे जिन्ना और जिन्ना प्रेमियों से पीछा छुड़ाना होगा। अलीगढ़ से रवि त्रिपाठी और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।